नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में OnePlus Nord CE 2 Lite 5G versus Samsung Galaxy M53 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 2 Lite 5G में 6.47 इंच जबकि M53 5G में 6.48 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो 2 Lite 5G में 2.98 इंच जबकि M53 5G में 3.03 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो 2 Lite 5G में 0.33 इंच जबकि M53 5G में 0.29 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो 2 Lite 5G में 195 ग्राम्स जबकि M53 5G में 176 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो 2 Lite 5G में IPS LCD जबकि M53 5G में Super AMOLED Plus की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 2 Lite 5G में 6.59 इंचेस जबकि M53 5G में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 2 Lite 5G में 1080x2412 और M53 5G में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 2 Lite 5G में 84.41% जबकि M53 5G में 85.46% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 2 Lite 5G में 401 पिक्सल प्रति इंच जबकि M53 5G में 393 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 2 Lite 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और M53 5G की बात करें तो इसमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो 2 Lite 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और M53 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 2 Lite 5G में Adreno 619 जबकि M53 5G में Mali-G 68MC4 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 2 Lite 5G में Qualcomm Snapdragon 695 और M53 5G में MediaTek Dimensity 900 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 6GB 8GB की RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 128GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 2 Lite 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 19,999 रुपीज़
8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 21,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें M53 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 26,499 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 28,499 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो दोनों फोन में 8 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में M53 5G आगे है, मेन कैमरा में M53 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में M53 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें मोटो G 5G है, दूसरा ओप्पो F19 Pro Plus 5G है, तीसरा Realme Narzo 35G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 8 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।